हेलो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं तानीलाल ठाकुर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़वानी आप सभी का स्वागत करता हूं छात्रों हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन्स के बारे में समझा था और कंप्यूटर जनरेशन की करेक्ट्रिस्टिक्स और उनकी जनरेशन उनके फीचर्स के बारे में भी समझा था बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के पहले सेमेस्टर में आर की ओ स्कीम यानी आउटकम बेस्ड क्यूरिकलम स्कीम के तहत इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम वन एक्सप्लेन कंप्यूटर सिस्टम विथ इट्स कंपोनेंट्स जनरेशंस एंड आयोडिवाइसिस को प्राप्त करने के लिए इनपुट डिवाइसेस आप कंप्यूटर टॉपिक पढ़ेंगे छात्रों आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के आउटकम में इस लेक्चर के अंत तक आप इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में जान जाएंगे और कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर आज के इस वीडियो लेक्चर के कंटेंट इस तरह है कीबोर्ड माउस स्कैनर माइक्रोफोन बारकोड रीडर ऑप्टिकल मार्कर रीडर जॉयस्टिक, लाइट पेन ट्रैक बॉल ग्राफिक टेबलेट मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बच्चों आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले इनपुट और इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझते हैं और उसके बाद एक एक करके सभी इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में समझेंगे सबसे पहले हम इनपुट क्या होता है उसे समझते हैं इनपुट जो इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हम उस कंप्यूटर के लिए इनपुट कहते हैं यानी जो जानकारी कंप्यूटर में इंटर की जाती है उसे हम इनपुट कहते हैं अब हम समझते हैं इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से तात्पर्य यह है कि जिस उपकरण के द्वारा हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं उस उपकरण या हार्डवेयर को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं जब से कंप्यूटर बना था तब से लेकर आज तक कई तरह के इनपुट डिवाइसेस बाज़ार में उपलब्ध हो चुके हैं समय के अनुसार उनके फंक्शंस भी बदलते गए और उसमें मॉडिफिकेशन भी होते गए यहाँ पर मैं कुछ इनपुट डिवाइसेस को बता रहा हूँ जो कंप्यूटर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं अब हम सभी इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में समझते हैं छात्रों अब हम सबसे पहले कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं और उसके फंक्शंस को जानते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो यूज़र यानी हमें अक्षर नंबर और अन्य कई तरह के सिम्बल्स को कंप्यूटर में इंटर करने की सुविधा देता है मुझे लगता है कि शायद आप सभी लोग कीबोर्ड से भली बात ही परिचित होंगे यदि आपने अभी तक कीबोर्ड नहीं देखा है तो यहाँ पर दिखाई गई इमेज से कंप्यूटर कीबोर्ड को देख सकते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड पर इसके सभी बटन बने होते हैं जिन्हें दबाने पर वही अक्षर, चेन या संख्या टाइप होती है जो उस बटन पर बनी है छात्रों अब हम जानते हैं एक कीबोर्ड में कुल कितने बटन होते हैं सभी बटनों का नाम प्रकार तथा इनका क्या उपयोग है तो एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 कीज होती है तथा इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरर्स यानी जो की बोर्ड को बनाने वाली कंपनी होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कीज़ का अपना एक स्पेशल कार्य होता है और इसी कार्य के आधार पर इनको छह भागों में बांटा गया है सबसे पहला भाग हमारा होता है फंक्शंस की फंक्शंस की कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है इन्हें कीबोर्ड में F1 से लेकर F12 तक कीज़ को हम फंक्शंस की कहते हैं फंक्शंस की का उपयोग किसी स्पेशल कार्य को करने के लिए किया जाता है इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है दूसरा भाग हमारा होता है टाइपिंग कीज़ सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज़ का होता है टाइपिंग कीज़ में दोनों तरह की कीज़ होती है अल्फ़ाबेट और नंबर्स अल्फ़ाबेट यानी ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम अल्फ़ाबेट कहते हैं और नंबर जीरो से लेकर नाइन तक के जो बटन्स होते हैं उनको नंबर बटन कहते हैं टाइपिंग कीज़ में सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स भी शामिल होते हैं मतलब तो यहाँ पर यह नंबर कीज़ दिखाई गई है जिसमें नंबर्स लिखे हुए हैं और ये लेटर्स दिखाए गए हैं इनको हम लेटर्स अल्फाबेट बटन्स कहते हैं और साथ में जो पंक्चुएशंस और सिंबल्स होते हैं उनको भी हम टाइपिंग कीज़ कहते हैं तीसरा भाग कंट्रोल कीज़ होता है इन कीज़ को अकेले या अन्य कीज़ के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की अल्टर की विंडोज़ की स्केप की का उपयोग कंट्रोल कीज़ के रूप में किया जाता है इसके अलावा मेनू की स्क्रॉल की पॉज ब्रेक की प्रिंट स्क्रीन की आदि कीज़ भी कंट्रोल कीज़ में शामिल है तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट प्रिंट स्क्रीन कीज़ है स्क्रॉल लॉक कीज़ है पॉज ब्रेक कीज़ है यहाँ पर कंट्रोल कीज़ है अल्टर कीज़ है ये सब कंट्रोल कीज़ कहलाती है इनको हम डिटेल्स में आगे में समझेंगे तीसरा पार्ट होता है हमारा नेविगेशन की नेविगेशन की में एरो कीज यहाँ पर देखिए एरोज़ बने हुए हैं इनको हम नेविगेशन कीज कहते हैं पांचवा पार्ट हमारा इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पर लाइट्स इंडिकेट होती है यहाँ पर देखिए ये बटन्स हमारे लाइट के लिए होते हैं कीबोर्ड में तीन तरह के इंडिकेटर लाइट होते हैं नम की जहाँ पर नम लॉक वाले बटन को हम जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नम की का लाइट ऑन हो जाएगा स्क्रॉल लॉक स्क्रॉल लॉक के बटन जब हम प्रेस करेंगे तो लाइट हमारी ऑन हो जाएगी इसी तरह से कैप्स लॉक कैप्स लॉक का बटन जब हम प्रेस करेंगे तो लॉक का लाइट यहाँ पर ऑन हो जाएगा और छठा भाग हमारा न्यूमरिक कीपैड होता है न्यूमरिक कीपैड इन्हें हम कैलकुलेटर्स की भी कह सकते हैं क्योंकि एक न्यूमरिक कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही कीज़ होती है इनका यूज़ नंबर्स लिखने में किया जाता है यहाँ पर इस एरिया को हम न्यूमरिक कीपैड कहते हैं जिसमें केवल नंबर्स और प्लस माइनस इस तरह के कुछ बटन्स होते हैं जो कीबोर्ड कैलकुलेटर में होते हैं अब हम कुछ मुख्य टाइपिंग कीज़ और उनका उपयोग समझते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए टेप की टेप की को समझते हैं टेप का यूज़ एक साथ कई लेटर्स का स्पेस देने के लिए किया जाता है जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा ए के बाद कुछ स्पेस छोड़ना चाह रहे तो टेप की जब दबाएंगे तो हमारा कंट्रोल जो है इस तरह कुछ स्पेस छोड़ देगा इसके अलावा भी इसके कई उपयोग है टेप का यूज़ कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स में भी किया जाता है टेप बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है जो लेफ़्ट हैंड साइड पर स्थित होता है अब हम कैप्स लॉक की को समझते हैं इस बटन का उपयोग सभी लेटर्स को अपर केस यानी बड़े में लिखने के लिए किया जाता है जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर्स अपर केस में लिखे जाते हैं और ऑफ रहने पर लोअर केस में लिखे जाते हैं अपर केस से मतलब जो यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर में दिखाई दे रहे हैं अक्षर इनको हम अपर केस कहते हैं और लोअर केस यहाँ पर जैसे ये जो स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं इनको हम लोअर केस लेटर्स कहते हैं तो स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखने के लिए लॉक ऑन और ऑफ किया जाता है अब यहाँ पर हम शिफ्ट कीज देखते हैं शिफ्ट की का फंक्शंस क्या है शिफ्ट की का उपयोग लेटर्स को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है इसके अलावा किसी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट कीज का उपयोग किया जाता है मतलब एक सिंगल लेटर्स को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए शिफ्ट की का उपयोग किया जाता है अब हम स्पेस बार को समझते हैं इस बटन को हम स्पेस बार बटन कहते हैं स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस से आगे खिसकाने के लिए किया जाता है जैसे हम कोई वर्ड लिखते हैं वर्ड लिखने के बाद अगला वर्ड लिखना हो तो इसके बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बार बटन का उपयोग करते हैं अब हम इंटर बटन को समझते हैं यहां पर देखिए यह इंटर बटन है हमारा इंटर की एक महत्वपूर्ण कीज होती है इसका उपयोग अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है जब इंटर बटन को दबाया जाता है तो कर्सर अगली लाइन के शुरुआत में चला जाता है इंटर की यानी ओके बटन जैसा कार्य करती है और किसी भी तरह के फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर बटन दबाया जाता है अब हम बेक स्पेस कीज़ को समझते हैं यह बटन हमारा बेक स्पेस बटन कहलाता है बेक स्पेस का यूज़ कर्सर के आगे के तथा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है मतलब यहां जैसे मान लो इस तरह से कोई टेक्स्ट हमारा यहां पर हमारा कंट्रोल है तो जब हम बेक स्पेस दबाएंगे तो इस आगे इस तरह के जो जितने भी टेक्स्ट हैं वो डिलीट हो जाएंगे अब हम स्केप की को समझते हैं ये बटन हमारा स्केप की कहलाती है और कीबोर्ड का सबसे पहला कीज हमारा स्केप Keys कहलाती है स्केप की का उपयोग प्रेजेंट में जो भी प्रोसेस हो रही होती है या टास्क हो रहा होता है उसे कैंसिल करने के लिए किया जाता है स्केप की से जो भी प्रोसेस हमारी होती है वो स्केप हो जाती है अब हम कंट्रोल की के बारे में समझते हैं यह बटन यहां पर नीचे दिखाई दे रहा है यह हमारा कंट्रोल की कहलाती है कंट्रोल की का उपयोग कीबोर्ड शार्टकट्स में किया जाता है मतलब इन बटनों के साथ में कंट्रोल की का उपयोग कर कुछ कमांड एग्जीक्यूट किए जाते हैं अल्टर की यह भी एक कंट्रोल की कहलाती है यहाँ पर देखिए अल्टर तो यह भी इन कीबोर्ड्स के कुछ कीज के साथ में उपयोग करके कुछ कमांड एग्जीक्यूट करते हैं प्रिंट स्क्रीन की यहाँ पर देखो मैंने पहले भी बताया था प्रिंट स्क्रीन की यह भी हमारे कंट्रोल की कहलाती है इस की को प्रेस करने से जो हमारे मॉनिटर की स्क्रीन होती है या जो हमें दिखाई देता है उतना पूरा स्क्रीन प्रिंट हो जाता है यानी कॉपी हो जाता है और इसको हम इमेज के रूप में एम एस वर्ड या एम एस पेंट पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें हम पेस्ट करके इमेज बना सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन की दी हुई है एरोज की को हम नेविगेशन की कहते हैं एरो की अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो और राइट right एरो मतलब ये अलग अलग दिशाओं में कर्सर को ले जाने के लिए एरो की का उपयोग किया जाता है होम की होम की से मतलब जैसे मान लो हम इस लाइन पर यहाँ पर काम कर रहे हैं और होम बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो कंट्रोल हमारा या कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह एंड की जैसे हम मान लो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं और हमें यहाँ जाना है आखिरी में या किसी भी सेंटेंस के आखिरी में जाना है तो एंड बटन हम जब प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा लाइन के एंड में आ जाएगा इंसर्ट की इंसर्ट की का मतलब यह है कि जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर है और यहाँ पर हम कुछ लेटर्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो जब इंसर्ट की जब हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर कुछ टाइप करेंगे तो इस लेटर के स्थान पर जो नया लेटर हम प्रेस करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा डिलीट की डिलीट की से हमारा जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कंट्रोल है या कर्सर है और जब हम डिलीट की प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड वाला जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा पेज अप पेज अप से जैसे मान लो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो पेज अप करने से हमारा कंट्रोल या कर्सर पेज के ऊपर में आ जाएगा इसी तरह पेज डाउन पेज डाउन से जब पेज के ऊपर में हम काम कर रहे हैं और निचले पेज पर जाना होता है तो हम पेज डाउन बटन प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर या कंट्रोल पेज के नीचे आ जाता है तो छात्रों इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर जितने कीज बनी हुई है उनके फंक्शंस हमने समझा छात्रों अब हम माउस इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं माउस एक इनपुट डिवाइस है जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर को मूव करने के लिए उपयोग किया जाता है माउस डिस्प्ले स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है इसे कंप्यूटर के साथ केबल या वायरलेस तरीके से जोड़ा जाता है माउस एक हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस है इसे किसी डेस्क या माउस पेड के ऊपर रखकर उपयोग किया जाता है जनरली माउस में दो बटन होते हैं लेफ्ट और राइट बटन और एक स्क्रॉल व्हील होती है इन बटनों के उपयोग से आप स्क्रीन पर टेक्स्ट को सिलेक्ट या मूव करा सकते हैं वहीं स्क्रॉल व्हील के द्वारा किसी पेज पर ऊपर नीचे जा सकते हैं माउस के फंक्शंस एक कंप्यूटर माउस यूज़र को कर्सर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की अनुमति देता है ये हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर टेस्ट को सिलेक्ट करने फाइल्स को ड्रैग करने और आइटम पर क्लिक करने में मदद करता है माउस में व्हील की मदद से हम किसी पेज को अप और डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं यूज़र किसी भी फाइल्स या एप्लीकेशन पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कर सकता है माउस तीन तरह के होते हैं मैकेनिकल माउस ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस छात्रों माउस से जुड़ी कुछ तथ्यों को हम समझते हैं क्या आप जानते हैं कंप्यूटर माउस का नाम कैसे पड़ा अगर आप एक चूहे को देखें तो उसका साइज शेप और टेल बिल्कुल माउस से मिलती है इसलिए इस पॉइंटिंग डिवाइस को माउस कहा जाने लगा माउस को पॉइंटर क्यों कहते हैं क्योंकि पॉइंटर या कर्सर उसे कहा जाता है जो आपके माउस की स्थिति या लोकेशन को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दर्शाता है यह एक ग्राफिकल इमेज है जो एरो के आकार में आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देता है माउस को डेस्क पर मूव करने पर पॉइंटर भी अपना स्थान बदलता है इसकी मदद से हम प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं और एक फाइल को किसी अन्य स्थान पर ड्रैग भी कर सकते हैं तो छात्रों इस तरह से हमने माउस के फंक्शंस और उसके बटन के बारे में समझा स्कैनर स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट और इमेजेस को स्कैन करता है जब कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है तो इसे डिजिटल फॉर्मेट में बदल दिया जाता है यह डॉक्यूमेंट का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन बनाता है जिसे कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और उसे एडिट भी किया जा सकता है अधिकांश स्कैनर फ्लेट बेड डिवाइस है जिसका मतलब कि उनके पास एक फ्लेट स्कैनिंग सतह होती है स्कैनर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करते हैं जो स्कैनर से डेटा इंपोर्ट करते हैं स्कैनर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है जिस पर जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन किया जाता है उसे हम एडिट कर सकते हैं माइक्रोफोन माइक्रोफोन एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग साउंड को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है यह ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव करता है यह वॉइस को कंप्यूटर में ऑडियो फाइल के रूप में स्टोर करता है जिसे आप बाद में कंप्यूटर में एडिट भी कर सकते हैं कंप्यूटर में माइक्रोफोन का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है जैसे वॉइस रिकॉर्डर वॉइस रिकॉग्नेशंस ऑनलाइन चैटिंग कंप्यूटर गेमिंग में माइक्रोफोन का उपयोग किया जाता है बारकोड रीडर छात्रों वैसे तो आप लोगों ने बारकोड के बारे में काफ़ी सुना होगा और देखा भी होगा लेकिन जो लोग बारकोड रीडर के बारे में नहीं जानते हैं वो यहाँ पर इमेज देखकर समझ सकते हैं बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी सामान पर लगे बारकोड को रीड करने का काम करती है इस कोड में किसी भी वस्तु के बारे में सारी जानकारी होती है जैसे कि उसकी कीमत एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रोडक्ट नंबर इस तरह के कुछ बारकोड होते हैं जो कुछ अलग अलग मोटी पतली विभिन्न लाइनों में होती है जो कि सामान की कोड संख्या या उसकी कीमत को बताती है इस कोडिंग पद्धति का प्रयोग बार कोड में किया जाता है इसे यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यानी कि यू भी कहा जाता है तो छात्रों आपने भी इस बार कोड रीडर को किसी शॉपिंग मॉल में देखा होगा यह भी एक इनपुट डिवाइस कहलाती हैं छात्रों ओएमआर यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर को अब हम समझते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर एक स्पेशल टाइप का स्कैनर होता है यानी एक इनपुट डिवाइस है जो विशेष प्रकार के पेंसिल के चिन्ह या मास्क को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है आपने अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में ओ एम शीट का उपयोग किया होगा जहां पर आपको काले पेंसिल से गोला को ठीक से भरना होता है जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो यह जो ओ एम शीट होती है उसे ओ एम स्कैनर में डाला जाता है और यह स्कैनर एक लेज़र लाइट को आपकी शीट पर डालता है और केवल उन काले घेरे वाले निशानों को स्कैन करता है जहां पर आपने ओ एम आर शीट में गोलों को पूरा काला किया होता है वहाँ से लेजर की मात्रा कम वापस आती है और जहाँ पर आपने गोलों को काला नहीं किया होता है वहाँ से लेजर की मात्रा ज़्यादा वापस आती है तो इस प्रकार से यह स्कैनर आपके दिए गए उत्तरों को पहचान लेता है जॉयस्टिक जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है यह छोटी मुड़ी हुई एक स्टिक होती है जो कि कर्सर को घुमाने में काम आता है कुछ जॉयस्टिक कीबोर्ड में लगे हुए होते हैं और बाकी के बटन अलग से काम करते हैं इस स्टिक को हम ज़्यादातर गेम खेलने के काम में लेते हैं जॉयस्टिक कंप्यूटर को चलाने और वीडियो गेम खेलने में काम आता है जॉयस्टिक के उपयोग जैसे कि क्रेन असम्बली लाइन जंगल के उपकरण खुदाई वाले ट्रक एक्सेलेरेटर आदि बनाने में जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है लाइट पेन लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है जो लाइट को सेंस करता है लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या ग्राफिक्स बनाने में किया जाता है लाइट पेन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए होता है लाइट पेन की सहायता से बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है तथा आवश्यकतानुसार इसमें एडिट भी किया जा सकता है यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है लाइट पेन जिस तरह से हम कुछ टेक्स्ट लाइट पेन के द्वारा कंप्यूटर में इंटर कर सकते हैं ट्रैकबॉल ट्रैकबॉल एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही काम करती है इसमें एक उभरी हुई गेंद होती है तथा कुछ बटन होते हैं जनरली इसको पकड़ते समय गेंद पर आपका अंगूठा होता है और आपकी उंगलियां उसके बटन पर होती है स्क्रीन पर पॉइंटर को घुमाने के लिए अंगूठे से उस गेंद को घुमाते हैं ट्रैकबॉल को माउस की तरह घुमाने की आवश्यकता नहीं होती है इसका उपयोग लैपटॉप मोबाइल तथा रिमोल्ड में किया जाता है एम यानी मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर एम एक इनपुट डिवाइस है जो जनरली बैंकों में चेक के प्रोसेस के लिए उपयोग किए जाते हैं ये ह्यूमन रीडेबल करेक्टर्स जो डॉक्यूमेंट पर मैग्नेटिक इंक में प्रिंट किए जाते हैं उन्हें रीड या पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं मैग्नेटिक इंक का उपयोग चेक्स पर किया जाता है चेक के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए होते हैं जिसको पहचानने के लिए एम इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ओ सी आर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम विभिन्न डॉक्यूमेंट जैसे इमेज पी डी एफ फाइल्स या हाथ से लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स को इस प्रकार के डेटा में बदल देते हैं जिसको कि कंप्यूटर समझ सकता है ओ के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ओ की प्रक्रिया में किसी भी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक लेटर या नंबर्स को एनालाइज़ किया जा सकता है जब करेक्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तो उसे आजकी कोड में बदल दिया जाता है छात्रों आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस को एक्सप्लेन कर सकेंगे और इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस को आप अब समझ चुके हैं छात्रों मैंने इस वीडियो लेक्चर के लिए कुछ रेफरेंसेस लिए हैं जो इस तरह है आप भी इन रेफरेंसेस को रिफ़र करके डिटेल्स में इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझ सकते हैं छात्रों मैंने कुछ असाइनमेंट यहाँ पर दिया है जिससे आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं वाट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यानी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं वाट आर द वेरियस इनपुट डिवाइसेस यानी अलग अलग तरीके के इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं राइट शार्ट नोट्स ऑन एनी फाइव इनपुट डिवाइसेस कोई भी पांच इनपुट डिवाइसेस के ऊपर शार्ट नोट लिखिए तो छात्रों इस तरह से इन क्वेश्चन के आंसर लिख कर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं अगला वीडियो लेक्चर हमारा आउटपुट डिवाइसेस टॉपिक पर होगा जिसमें हम मॉनिटर्स प्रिंटर्स और अन्य आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे छात्रों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद